पहले तो ये बता तुम्हें साथ खेलना कैसे छोड़ देना है? चाची की टीम में हो गया। शर्त बता दो मायरा क्या है, चाची को शर्त बता दो। So, hi guys, welcome back to my channel. This is Mansi Yadav once again. I hope everybody is doing really, really great. So guys, आज हम सारे भौजी के घर पर हम देख सकते हो और हम लोग हैं ना आज सुबह सुबह हम लोग सिंगापुर में जब मैं गई थी चार्जिंग पीक का मैंने बैग लिया था और हेयर इज अमेरिका मैं निकाल लेती हूँ उसको फाइनली मैं यूज़ करती हूँ ना वो रखी अगर भूल जाती हूँ सुबह निकालना क्योंकि मेरे पास शादी में ऑलरेडी इतने सारे बैग हो गए थे तो मम्मा मैंने फाइनली वाला बैग निकाल लिया है और तो ये अमीर इंसान ये वाला बैग हम मंजूरी के लिए लेके आए थे तो ये मंजूरी को मैं कल जो मंजूरी के हम घर पे जाएंगे तो मैं अपना मंजूरी को यूज करूँगी और आई कैन जस्ट शो यू दिस बैग या कैमरे के पीछे उसने इट्स मी दिस इज द बैग जो मैं सिंगापुर से लेके आई थी वेरी प्रिटी बैग तो मैं बैग के लिए अपने इच्छा लगते हैं कल जाएंगे ना तो आज हम जा रहे हैं मुझे क्योंकि आज है मायरा का बर्थडे सो हैप्पी बर्थडे मायरा आप जो गिफ्ट लेके आए थे वो तो दिखाओ मायरा के लिए वो है पेपा पिक तो ये हम मायरा के लिए लेके जा रहे हैं ये मायरा का गिफ्ट है जो जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया है पेपा पिक का बैडमिंटन नो जॉगिंग टुडे इट्स ओनली बैडमिंटन सो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई न्यू बैग एज यू कैन सी और ये कितना कार कितना अच्छा लग रहा क्लासिक लग रहा पार्टी किधर है पार्टी बुआजी घर पे नो मेरी बुआजी है ना तो बैग तो यार आपने लिया है तो आपको पार्टी देनी चाहिए नहीं मेरी बुआजी एक ही बात है मेरी बुआजी पार्टी कर रही है और मैं कर रही हूँ एक ही बात आज और कल के अलावा किसी और दिन आपको पार्टी देनी पड़ेगी अभी रुको मेरी मम्मी क्योंकि आप आज भी बिजी हो कल भी बिजी हो आई नो दैट मम्मी इसका बहुत बढ़िया आंसर देगी अभी आ रही है मेरी मम्मा रेडी होके तो वो आंसर करेंगे आप इस चीज का बाकी ऐसा लग रहा है क्रेडिट कार्ड है जैसे बाय द वे कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बैग इट्स लुकिंग स्टनिंग थैंक यू और इसमें वो चेन वगैरह मतलब नहीं है पर ये थोड़ा सा ऐसा कि नॉर्मल बैग है सिर्फ कैरी करने के लिए यानी कि भाई इसमें सामान भर भर के तुम लेके जा रहे हो झूला भर के बट नाइस चॉइस थैंक यू एंड दिस इज गाइस मैं ये बताना चाहूंगी ये मेरी अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग होगी क्योंकि आज तक मैंने इतना एक्सपेंसिव बैग नहीं बाय किया ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली इसका जो है तो अभी तक की मेरी एक्सपेंसिव शॉपिंग यही है पापा जी मेरा बैग कैसा लग रहा है मेरे पापा जी को भी तो ले लो पापा जी अच्छे लग रहे हैं व्लॉग में पापा जी खड़े हो गए आप इतना धीरे दिखाते हो मेरे पापा जी को अपने अच्छा ऐसे इंस्टेंट ऐसे करना है ऐसे करके दिखाना था ना हेलो पापा जी तो आप रिकॉर्ड हो गए ट्रांजिशन वीडियो मम्मा और मैं एकदम सेम से मैं देख सेकंडों के हिसाब से चेंज हो गए यार मैं ट्राउजर सेम पहन लूं व्हाट हैपेंड टू यू गाइस एकदम सेम हो जाएंगे बट इतना ही ठीक है ऊपर ऊपर का ठीक अदरवाइज वी विल गेट लेट चलो जल्दी चलो आप ही लेट करो हम तो लेट ही पानी डाली ये तेरा का जरूरी काम है देखो सबसे पहले जल्दी वहीं आ रही है चलो पापा अभी बोल रहे थे विशाल देखो पेड़ों में पानी डालने के लिए क्योंकि पापा की मैंडेटरी चीज है कि भाई पानी डालना चाहिए पेड़ों में गर्मी हो रही है पापा पेड़ों की टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं है ना मम्मा तो इसलिए पापा विशाल हाँ मेरे को ये सॉक्स आ गई और हम दोनों एकदम सेम सेम हो चुके हैं गाइस और अब चलते हैं आप अपने वॉक करने के लिए लेट्स गो
तो मेरे पापा बहुत स्पेसिफिक है कि पेड़ों में पानी डालो भाई हम जा रहे हैं। देखो गाइस आज हम माम भी जा रहे हैं और हमारी आत्मा भी जा रही है हमारे साथ जॉगिंग करने के लिए। नॉर्मली सिर्फ हम सब जाते हैं आज तो आज हम 8:30 उठे अच्छा से आज हम बैडमिंटन खेलने जा रही है। सॉरी कट कर देंगे मम्मा रनिंग करेगी और हम सब एथलीट बनेंगे मम्मा और हम सब एक नॉर्मल प्लेयर बनेंगे। हाँ तो पापा जी ने बोले मुझे फिट होना है। यस आपको कंपटीशन दे रहे हैं पापा समझ रहे हो आप। वेलकम टू सब्जी मंडी। आपके दोस्त खड़े आपके दोस्त से तो आपको क्या वो मिलता है क्या डिस्काउंट मिलता है? कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कोई डिस्काउंट नहीं मिलता नहीं। क्या फायदा है ऐसी दोस्ती करके जिसमें डिस्काउंट ना मिले? बस सामान घर पे आ जाता है टाइम से अच्छा बस यही है फायदा यही प्रायोरिटी है ये प्रिविलेज एक्सेस है आजकल टाइम की वैल्यू है भाई। हाँ ये बात टाइम इज मनी तो अल्टीमेटली डिस्काउंट तो मिल ही रहा है ना। ओ माय गॉड क्या आंसर किया है वाह। सो गाइस अब मैच शुरू होने वाला है शुभम और पापा के बीच में। अब देखते हैं कौन विनर होता है और जो भी हारेगा वो मुझे सबसे पहले देगा ठीक है। 10 पॉइंट्स है पापा ठीक है। हेलो कैसे हो? थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद मिलोगे आप हमें। अब देखते हैं कौन इनमें से विनर होने वाला है। जो भी विनर बनेगा मैं उसकी टीम में हूँ पापा जी पर मैं ऑल द पापा की टीम में ही हूँ। पापा ये मैं कट कर दूंगी टेंशन की बात नहीं है पापा ही जीतेंगे। ये है एक्सपर्ट प्लेयर्स। हवा भी नहीं है आपका गेम ना पीछे वो गार्ड वाले भैया भी देख रहे हैं क्योंकि ही इज सो इंटरेस्टेड टू सी द गेम। फाइनली मन्नु इज ऑन द फील्ड। हां बट कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि मैं हार जा रहा हूं हवा चेंज लग रही है और हम हमें आता है खेलना समझो हमें आता है बस वो हमारी पापा हवा चल रही है थोड़ी। हाँ हवा है स्टार्टिंग में नहीं थी जब मैं और पापा खेल रहे थे ना तब नहीं उस टाइम पे नहीं थी। कम से कम 30-30 के वो क्या आप लोगों ने हो जाएगा मुझे फील्ड से बाहर ही ले अरे एक्चुअली इस तरफ से ना एयर का वो लगता है वहां पर आराम से ही मारोगे तो भी इट विल गो फास्ट। हां एग्जैक्टली बैट बॉल पे हम दोनों मैं आपके टीम में हूं या ब्लू मैं आपकी टीम में ब्लैक चलो हवा चल रही है हवा चल गई ज्यादा तेज इसे बंद कर दूं चलो 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 जल्दी। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है जल्दी बताऊं रुको जल्दी करो रेडी हो 12:38 जल्दी करो 12:38 हो रहे हैं और अब मेरे बालों से मैच कर रहे पता है। सो मम्मा भी रेडी हो चुकी है ओके मम्मा दैट इज गुड ओ क्या बात है आपने कमेंट लिखा है
बहुत बढ़िया। सो गाइस हम फाइनली निकल रहे हैं, मम्मी पापा मैं और शिवम जा चुके हैं गाड़ी लेने के लिए नीचे। सो मम्मा आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं तेरी बुआ जी के घर, मायरा के बर्थडे पे, बर्थडे पर। सो हैप्पी बर्थडे मायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो आज पूरे दिन से मना रहे हैं और क्या, हम तो कल शाम से ही मना रहे हैं। अभी तो पहुंचे पहले कर रहे हैं हम तो कल शाम से बर्थडे करने वाले हैं। और वो भी और क्या, जब से शुरू हो गए थे हम हैप्पी बर्थडे मायरा, हैप्पी बर्थडे मायरा। सो अभी हम निकल चुके हैं, हम सब लोग रेडी हो गए और शिवम गाड़ी लेके आ रहे हैं। अच्छा ये ऐसे कौन चेक करता है? कौन चेक करता है भाई? और क्या ड्रिल करते, कोई भी ऑपरेशन की ऐसे करते हैं सामने बताते थोड़ी है आम ही। ये डिजास्टर ड्रिल थी। अच्छा तो आपने अचानक से फिर हमें ब्रेकअप से ब्रेकअप ब्रेकअप से उड़ा दिया नहीं ब्रेकर से उछाल दिया। yes. तो हम गाइस निकल चुके हैं और अब हम पर विशाल भैया हमें वहीं पे मिलेंगे क्या? मेट्रो स्टेशन से हम पिकअप करेंगे विशाल भैया को। yes. विशाल भैया के लिए बर्फी लेके आ जानी चाहिए। विशाल भैया हमारे साथ वापस आएंगे, वहीं पे आएंगे ना, नहीं घर ही आएंगे। हैप्पी बर्थडे मायरा, चलो अब हम गेम खेलते हैं, ठीक है? रेडी रेडी मायरा, गिव मी हाई फाइव, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी जो जीतेगा उसको लड्डू देना, ओके? हाँ ठीक है, अभी अपना लड्डू बना लो। भाई साहब उसके बाद अब क्या बाल पकड़ोगे तुम दोनों एक दूसरे के? ओ ये तो बहुत खतरनाक गेम है, ये तो गेम नहीं खेलने का भाई, ये तो बहुत खतरनाक गेम है, मेरे को तो ये गेम आता भी नहीं है यार, कोई और गेम बताओ। मंजूर है जबकि जब भूखा लेगा वो मंजू बड़ी बुद्धि बन गई सुना हो ना पहचान बता रहा था और कौन कौन से लगा रखे? मौसमी को, गुलाल को, अनार को, टमाटर भी लगे हुए है ना। हाँ ये बुआ जी का गार्डन है वो भी इतना बढ़िया है जिसमें सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। पापा जी आपने ये प्लांट लगवाया था ना जामुन का? फिर अपना पराया आज मुद्दे कल मायरा है और मायरा ने मुझसे शर्त लगाई है कि अगर आप चाची अब जीत गए तो आपके हिसाब से मैं फ्रॉक पहनूंगी, पर अगर आप हार गए तो मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं पहनूंगी, जो मैंने पहना है मैं वही पहने रखूंगी। सो देखते हैं कि गाइस मायरा जीतेगी या नहीं। यार मुझे ऑल द बेस्ट बोल दे, मुझे जिता दियो प्लीज यार तू। अरे नहीं जिताएगा दोस्त, चल ठीक है ऑनेस्टी से खेलते हैं, ठीक है? रेडी? 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट्स ठीक है, 5 पॉइंट्स इन गेम खेल रहे, लेट्स गो। मायरा ने शर्त लगाई है, मम्मा अगर मायरा जीत गई, अगर मैं जीत गई तो मायरा फ्रॉक पहनेगी, पर अगर मैं हार गई तो मायरा जो पहन रखे वो वही पहने रखेगी। अच्छा हाँ, शर्त लगा रही है फिर से? हाँ शर्ट लगाई है, इसमें मुझसे कहेगी जब मम्मी जीतेगी रॉन्ग पे ठीक
पहले तो ये बता तो मेरे साथ खेलना कैसे छोड़ देना है तुम्हारी चाची आ गई इसलिए चाची की टीम में हो गया बताओ आप खेल बीच में बताओ अभी मेरे शर्त बता दो मायरा क्या है चाची को शर्त बता दो चाची चाची जी थी तो मैं फ्रॉक पहनूंगी मैं जीती तो मैं अपनी मर्जी का पहनूंगी प्लीज मायरू मेरे साथ आपको भी लोगों के प्रोसीजर मेरे साथ फोटो खिंचवाना फिर बाहर चलेंगे मैं चीनू भी आ गया फिर बाहर चलेंगे चीनू भी आ गया चल ले ले भाई चीनू और क्या हाय चीनू चीनू क्या लगता है कि मायरा जीतने वाली है मैं व्हाट डू यू थिंक चलो मायरा फिर हमारी बात मारेगी पर अगर मायरा जीत गई तो क्या होगा शिट अच्छा ओके एक पॉइंट अभी तक हां एक पॉइंट एक पॉइंट बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 है बेस्ट ऑफ 5 है मायरू जल्दी करो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. वो लिख के लाई थी कुछ पेज पर उसको फाड़ने लग रही है पहले फाइनली घर आ चुके हैं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि हम लोग इतना थक गए और अब हमें सोना है चलो ओके बाय गुड नाइट